नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज पाका। आइए करते हैं आज की प्रमुख खबरों की शुरुआत। भागलपुर रेंज डीआईजी सुजीत कुमार ने धोरैया थाने का बांका एसपी अरविंद कुमार गुप्ता तथा प्रशिक्षु आईपीएस भरत सोनी के साथ निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। थानाध्यक्ष को लंबित पड़े कांडों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में कई कमियां पाई गई, जिसे अविलंब सुधार करने को कहा है तथा थानाध्यक्ष को सख्त आदेश दिया गया कि मैं आई हेल्प यू तथा थाना प्रबंधक का बोर्ड लगाएं। साथ ही कहा कि धोरैया थाना को मॉडल थाना बनाएं। मौके पर रोजान सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार सहित धोरैया थाना के समस्त पुलिसकर्मी मौजूद थे। कहीं कहीं पे सुधार की आवश्यकता है, जैसा सुधार की गुंजाइश हर एक सिस्टम में है। यहाँ पे भी कुछ निर्देश मैंने दिए हैं, कुछ चीज़ों को अद्यतन करने की आवश्यकता है। विशेषकर पब्लिक के लिए थाना पर आने पे रिसेप्शन लगा हुआ है, एक शिलापट वहाँ लगाया जाना आवश्यक है। इसके अलावा थाना मैनेजर के लिए जो कक्ष बना हुआ उसको किसी और कार्य में इस्तेमाल नहीं करना, वहाँ पर थाना मैनेजर कराना, उनके द्वारा यह सुनिश्चित करना कि आने वाले जो पब्लिक के साथ जिस तरह का रिस्पांस मिलना चाहिए थाने से वो तुरंत उपलब्ध हो। नए साल पर अवैध शराब के खेप को बिहार पहुंचाने के जुगाड़ में लगे हैं शराब तस्कर, लगातार पुलिस के हत्थे चढ़ रहे। मंगलवार के शाम पंचवारा थाना की पुलिस ने क्षेत्र के माराटीकर गोविंदपुर ग्रामीण सड़क में माराटीकर गांव के पास से गुप्त सूचना के आधार पर एक ऑटो से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद कर लिया है और ऑटो पर सवार दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया और ऑटो के पीछे चल रहे दो संदिग्ध बाइक सवार शराब तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष मुरलीधर साह को अवैध शराब के इस रास्ते से गुजरने की सूचना मिली थी। पुलिस कार्रवाई में पंचवारा थाना के प्रशिक्षु दरोगा पवन कुमार एवं प्रशिक्षु दरोगा सत्यजीत कुमार पुलिस टीम के साथ शामिल थे। पुलिस ने गिरफ्तार ऑटो से जांच के दौरान उसे सीलिंग से अलग अलग ब्रांड के 320 बोतल विदेशी शराब बरामद कर लिया और मौके से चार तस्करों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ कर रही है। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के बाजा मोड़ के समीप जेसीबी वाहन पलटने से मंगलवार की रात्रि 40 वर्षीय जेसीबी चालक रामजी यादव की दबकर मौत हो गई। मौके पर ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद दूसरे जेसीबी वाहन को बुलवाकर चालक के मृत शरीर को वाहन के नीचे से निकाला। मौके पर उपस्थित स्थानीय लोगों ने बताया कि शंभुगंज थाना क्षेत्र के पीपरा गांव निवासी रामजी यादव भरको की ओर से जेसीबी लेकर अपनी बेटी के घर बेला गांव जा रहा था। बाजा मोड़ के समीप किसी वाहन को साइड देने के क्रम में जेसीबी अनियंत्रित हो गई। चालक जब उसे नियंत्रित नहीं कर सका तो वह गाड़ी से नीचे कूद गया। इसी बीच जेसीबी भी पलट गई तथा चालक उसके नीचे दब गया, जिस कारण घटनास्थल पर इनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के गांव के ग्रामीणों घटनास्थल पर पहुंचे एवं वाहन के नीचे दबे सबको निकालने का प्रयास करने लगे। काफी प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलने पर दूसरी जेसीबी मंगवाई, तब जाकर मृत शरीर को निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही अमरपुर थाना अध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल देखा गया। बांका एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने मंगलवार की संध्या अमरपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मौजूद पुलिसकर्मियों को लंबित कांडों का अभिलंब निष्पादन करने का निर्देश देते हुए इन्होंने रात्रि गश्ती में तेजी लाने का सख्त निर्देश दिया। वहीं इन्होंने पेंडिंग केसों की बारीकी से समीक्षा किया। इन्होंने मौजूद पुलिसकर्मियों को हर हाल में अवैध घाटों से बालू उठाव पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, शराब माफिया की धरपकड़, फरार वारंटियों की गिरफ्तारी करने का सख्त निर्देश दिया। मौके पर एसपी ने बताया कि रात्रि गश्ती के लिए अलग से पुलिस लाइन से पुलिस बल दिया गया है। खनन मामले में नामजद फरार अभियुक्तों की अभिलंब गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया गया। सभी अनुसंधानकर्ताओं को फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया गया। करीब एक साल से कई केस लंबित हैं, जिन्हें अभिलंब अनुसंधानकर्ताओं को निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर पुलिस निरीक्षक वकील प्रसाद यादव, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय, अवर निरीक्षक राजेश कुमार सिंह, अवर निरीक्षक राजीव रंजन, रामाश्रय प्रसाद, रामाशंकर सिंह, सहायक अवर निरीक्षक जमशेद खान, सहायक अवर निरीक्षक जमशेद खान, अर्जुन कुमार अनु, कपिल देव यादव, प्रशिक्षु दरोगा छोटू कुमार, विष्णु देव कुमार समेत थाने में पदस्थापित सभी पुलिसकर्मी उपस्थित थे। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का निर्देश है। बाकी पेट्रोलिंग तो है ही, साथ पेट्रोलिंग के लिए अलग से फोर्स दिया हुआ है, मालूम ही है। अलग से रात्रि गश्ती के लिए पुलिस लाइन से हम लोग फोर्स दिए, पेट्रोलिंग प्रॉपर हो, रात में कोई बलगड़ी चोरी की घटना न घटे, चोरी की अभी फिलहाल गिरफ्तारी अभियान चला के लगातार अगले 3 दिन तक चलेगा। जो भी कांडों के वांछित अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और अनुसंधानकर्ता वार समीक्षा मेरे द्वारा की जाएगी कि अगले 3 दिनों में किस अनुसंधानकर्ता के द्वारा कितने अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और कितने को जेल भेजा गया।
बांका नगर परिषद में जोर शोर से इन दिनों जिला प्रशासन अतिक्रमण मुक्त कराने में जुटी हुई है। इस कड़ी में मंगलवार दोपहर से एसडीएम मनोज चौधरी और एसडीपीओ डीसी श्रीवास्तव ने दलबल के साथ गांधी चौक से शिवाजी चौक तक माइकिंग करते हुए अतिक्रमण को हटवाया। इसके बाद उनकी टीम ठाकुरबाड़ी के जमीन पर बसाए गए नए सब्जी मंडी की ओर कूच कर गई, जिसे फुटकर विक्रेताओं में खलबली मच गई। हालांकि ये दुकानदार एनएएसबीआई से पंजीकृत हो चुके हैं और इन्हें नगर परिषद द्वारा परिचय पत्र भी निर्गत किया जा चुका है, लेकिन इन फुटकर विक्रेताओं को अब तक कोई जमीन आवंटित नहीं की गई है, जिससे ये पेशो पेश में पड़े हुए उनके सामने परिवार के भरण पोषण को लेकर समस्या उत्पन्न होने वाली है, जिससे वे खासे चिंतित है। फुटकर विक्रेता संघ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज से 4 साल पूर्व एसडीओ पूनम कुमारी द्वारा इस जगह हम लोगों को मौखिक रूप से आश्वासन देकर बसाया गया था, जिसके बाद एसडीएम मनोज चौधरी ने उनके संभावित नुकसान को बचाने के लिए उन्हें एक दिन का अल्टीमेटम देते हुए जल्द से जल्द सभी दुकानों को हटाने का निर्देश दिया।